my dad's making it hurt. वेलकम बैक टू द गोल्डन टॉक्स। आज हम आ गए हैं प्योर ईवी के शोरूम में और इस शोरूम का नाम है ईबॉक्स मोटर जो कि दिल्ली में निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग बिकॉज यहां पर प्योर ईवी जैसे कि हम सभी लोगों को पता है एक इंडियन बेस्ड कंपनी है एंड प्योर ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स निकाल के लेके आ रही है। अभी रिसेंटली प्योर ईवी ने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनमें से एक बाइक का नाम है ई ट्रस्ट एंड एक जो रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है इसका नाम है प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है और जैसे कि लॉन्च हो चुकी है तो अब आप लोग इस बाइक की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। खैर फिलहाल इस वीडियो में हम आपको वो बाइक दिखाने वाले हैं जो कि ये रही आप लोगों के सामने प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट। इस वीडियो में हम इस बाइक के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड इसकी हम टेस्ट ड्राइव लेके भी देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे एक्चुअल में ये परफॉर्म कैसे करती है। तो जैसे कि आपके सामने खड़ी है प्योर ईवी की तरफ से आने वाली इको ड्रिफ्ट बाइक, रिसेंटली लॉन्च बाइक है एंड देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एक कम्यूट बाइक की तरह लग रही है। जैसे हम मार्केट में और बाइक्स देखते हैं 100cc, 110cc, 125cc, बिल्कुल सेम तरीके की आपको ये दिखने में लगने वाली है, but the only difference is that कि ये एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक होने वाली है। गाइस प्योर ईवी की इको ड्रिफ्ट में आप लोगों को BLDC मोटर मिलता है जो आप लोगों को 3 किलोवाट की पीक पावर प्रोवाइड कराने वाला है एंड 2 किलोवाट की नॉमिनल पावर ये प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ में आप यहाँ पर इसका बैटरी पैक भी देख सकते हो, उसके अंदर बैटरी है 3 किलोवाट की, आपको इसमें बैटरी मिलती है जो कि आपको काफी बढ़िया बैकअप दे देगी। अब दिखने में तो एक कम्यूट बाइक है ये, लेकिन जब रेंज की हम बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट और कंफ्यूजन आ जाते हैं, बट प्योर ईवी की इस बाइक में आप लोगों को काफी बढ़िया रेंज मिलती है। इस बाइक से आप 85 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं, वो भी इजीली। इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, अगर आप ज्यादा रफ तरीके से चलाओगे तो हो सकता है आपको माइलेज 100 या 90 या 105 मिले, बट अगर आप अच्छे से चलाओगे तो यू कैन गेट अप टू 130 किलोमीटर ऑफ रेंज फ्रॉम दिस बाइक। इसके अलावा आपको यहाँ पर किल स्विच मिल जाता है एंड जो है हॉर्न वगैरह, हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छी साउंड आपको इसके हॉर्न की मिलती है। यहाँ पर आपको लाइट के जो है स्विचेस मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसकी लाइट्स ऑन कर सकते हो। इस साइड भी जो है लाइट के स्विचेस, इंडिकेटर एंड आप लोगों को एक और हॉर्न का बटन यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर पास का बटन भी आप लोगों को मिल जाता है जिससे आप बेसिकली हाई बीम कर सकते हो। गाइस इसमें आप लोगों को LED हेडलाइट मिल जाती है और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पर हेलोजन लाइट्स भी मिल जाएगी। इससे बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप इस गाड़ी को चलाओगे सामने से कोई देखेगा तो ये लुक होगा वो काफी अच्छा लगता है, एक मेंटेन्ड लुक इन हेलोजन लाइट्स की वजह से यहाँ पर आ जाता है। हेलोजन इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके के यहाँ पर दिखते हैं। फ्रंट में आपको उसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं एंड रियर में आपके स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाते हैं। अच्छा एक चीज और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें और वो है इसके हैंडल्स। इसमें आप लोगों को कुछ कुछ क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा जो कि दिखने में काफी बढ़िया लगेगा एंड एक चीज भी यहाँ पर डेफिनेटली है कि जैसे ही बाइक को टच करेंगे कहीं से भी फील करेंगे या इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो प्रीमियमनेस का फील आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक बाइक में भी देखने को मिल जा रहा है, अगर खास करके इस बाइक की बात करें तो। रियर में भी आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं एंड ये भी मिल जाएगा जिससे आप लोगों का प्रोटेक्शन रहेगा, अगर आप साड़ी पहन के पीछे बैठते हो तो आप लोगों को किसी भी तरीके का इशू इधर से नहीं आएगा। इसके अलावा इस साइड में आप लोगों को पीछे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट सीट भी मिल जाती है एंड सीट्स काफ़ी लंबी है, मतलब दो लोग तो ईजिली बैठ सकते हो, बीच में आप लोग सामान बीच में रख सकते हो। इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक लगेज होल्डर मिल जाएगा, अपना लगेज आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर कोई साड़ी गार्ड इस साइड में नहीं है बट अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली इसको लगवा सकते हो। फुटरेस्ट आप लोगों को एक आगे मिल जाएगा, एक पीछे मिल जाएगा। ब्लैक कलर में फिलहाल ये गाड़ी है और इस गाड़ी के और भी आप लोगों को कलर ऑप्शन इंडियन मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बेसिकली इको ड्रिफ्ट आप लोगों को रेड, ग्रे, ब्लैक एंड ओशन ब्लू कलर में मिल जाती है। रियर पोर्शन की बात करें तो LED टेल लैंप्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे एंड पीछे नंबर प्लेट का पोर्शन दिया गया है जो एक नॉर्मल 100cc, 110, 125cc की बाइक में आपको मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से। गाइस फीचर इस गाड़ी में भर भर के दिए गए हैं। अगर बात करें इसकी की तो इस तरीके की मिल जाती है जिसमें आप लोगों को 4 बटन मिलते हैं, एक लॉक का बटन, एक अनलॉक का बटन। अगर आप लोगों को अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में ढूंढनी है तो आप लोग इस बटन को प्रेस कर सकते हो एंड इवन आप रिमोटली इस बाइक को स्टार्ट भी कर सकते हो, सिंपली आप लोगों को उसमें क्लिक करना है एंड इट इज रेडी टू गो।
और अगर आप लोगों को इसको ऑफ करना है तो आप रिमोट से ही इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल ऑडोमीटर इसमें मिल जाता है, डिजिटल टैकोमीटर भी आप लोगों को इस गाड़ी में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम भी आप लोगों को प्योर ईवी की इको ड्रिफ्ट में मिल जाता है। अब इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब बात करते हैं चार्जिंग की, चार्जिंग गाड़ी में कहाँ से होती है। तो आप गाड़ी को यहाँ से चार्ज कर सकते हो, हियर इज द चार्जिंग पोर्ट, और इसको सिंपली आप प्रेस करोगे और ये खुल जाएगा एंड यहाँ पे प्लग करके सिंपली इसको चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये गाड़ी आप लोगों को 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगी, और अगर बात करें टॉप स्पीड की तो इस चीज में आप लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड भी होंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक की टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। तो इस बाइक में आप लोगों को मिलती है 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड। इवन इसमें आप लोगों को तीन अलग अलग मोड मिल जाते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट मोड मिलता है वो मिलता है ड्राइव मोड, जिसमें अभी ये गाड़ी है, इसमें आप इस गाड़ी को 45 किलोमीटर तक की स्पीड पे चला सकते हो। सेकंड इज क्रॉसओवर मोड, जिसमें आप इस गाड़ी को 60 किलोमीटर तक की स्पीड पे चला सकते हो। एंड थर्ड इज थ्रिल मोड, जिसमें आप इस गाड़ी को टॉप स्पीड मतलब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चला सकते हो। तो एक इलेक्ट्रिक बाइक, वो भी जो इतनी ज्यादा स्पीड आप लोगों को देती है, इट इज ए वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि 75 एक ऐसी स्पीड लिमिट है जिसमें हम यूजुअली बाइक्स को चलाते हैं, इससे ज्यादा बाइक्स को हम वैसे भी नहीं चलाते हैं। गाइस एक इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होती है, वो होती है उसकी आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि इंडिया में आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी फिजिकल डीलरशिप अवेलेबल हो और आप वहां पर फिजिकली जाके अच्छे से अपने सामने सर्विस करा पाए, ऐसे ऑप्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन प्योर ईवी एक ऐसी ब्रांड है जिसके आपको ऑल ओवर इंडिया में डीलरशिप मिल जाएंगे एंड इनके खूब सारे आप लोगों को सर्विस सेंटर्स भी मिल जाएंगे। बिकॉज एक कम्यूट बाइक इस तरीके की गाड़ी 80,000 से 90,000 रुपए की मार्केट में आप लोगों को नॉर्मली मिलती है, वो भी पेट्रोल में। इट इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप लोगों का बहुत सारा पैसा ये सेव भी करेगी। बाकी इसमें फीचर्स आप लोग देख चुके हो, सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो इवन नॉर्मल बाइक्स में भी आप लोगों को इजीली देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग हो गया। इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को प्योर ईवी के इको ड्रिफ्ट में मिल जाएंगे। सो गाइस आ चुके हैं हम बाहर प्योर ईवी के इको ड्रिफ्ट लेके, और अब टाइम है इसकी टेस्ट ड्राइव लेने का, इसको ढंग से चला के देखने का और पता करने का कि एक्चुअल में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। लोग बैठ के चल रहे हैं, गाड़ी थर्ड मोड में है बट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अगर मैं इसको एकदम से रेव करके देखता हूँ तो देखते हैं कैसे लगता है। तो ये मैं इसको पूरा रेव कर चुका हूँ एंड इसने एकदम से पिकअप पकड़ लिया है। अच्छा एक चीज़ है कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड लाइट वेट गाड़ी फील हो रही है। लाइट वेट फील होने का फायदा ये है कि आपको चलाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग लगता है। सो येस दैट इज़ द थिंग विद दिस प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट, एंड स्मूथ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी रोटेशन की, तो रोटेशन भी बहुत ही इजीली हो जा रही है एंड इसकी एमआईडी जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, वो काफ़ी धूप होने के बावजूद, आप ऊपर देखोगे तो फिलहाल काफ़ी धूप है, धूप होने के बावजूद भी प्योर विजिबल है नेक्ड आईज से। आई डोंट नो आप कैमरा में देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, बट येस दिस इज़ ए ग्रेट कम्फर्टिंग राइड। और जैसे कि अभी हम दो लोग बैठ के इस गाड़ी पर चल रहे हैं तो किसी भी तरीके का पिकअप इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दो लोगों के बैठने के बाद में भी इसमें स्पेस बीच में सीट्स काफी ज्यादा बचा हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम इसकी कंप्लीट टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं, बल्कि हमने दो दो लोगों ने बैठ के इस पे देखा है। एक चीज काफी ज्यादा इंप्रेसिव मुझे लगी है कि इलेक्ट्रिक बाइक होने के बावजूद इतना ज्यादा अच्छे से चलना, इतना स्मूथली चलना, वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। उसके अलावा इस गाड़ी में टॉर्क ना बहुत ही जबरदस्त है, मतलब अगर आप सिंपली इसको एक बार रेव करोगे, स्पेशली अगर आप सेकेंड या थर्ड मोड में रेव करोगे, तो ये काफी जल्दी स्पीड पकड़ती है। टॉप स्पीड इसकी 75 है। एक चीज और मुझे काफी बेहतरीन लगी कि स्टेबिलिटी ना बिल्कुल उस तरीके की है जैसी आप कोई नॉर्मल पेट्रोल बाइक चलाते हो, 125 cc, 110 cc एंड सो ऑन, उस तरीके की स्टेबिलिटी आपको इसमें मिलती है एंड 12 डिग्री ग्रेडिबिलिटी इस बाइक में आती है। तो यस बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, और जैसे कि हमने टेस्ट ड्राइव ली तो कोई भी इशू इसकी टेस्ट ड्राइव में मुझे पर्सनली तो बिल्कुल नहीं लगा। इसके अलावा और भी इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, जिसमें हम इसकी रेंज टेस्ट भी करेंगे और बाकी के हर तरीके की टेस्टिंग करके देखेंगे। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं प्योर ईवी के शोरूम से, डीलरशिप से, जहां भी आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। दिल्ली के डीलरशिप का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऐसे प्रेस कर दे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।